चलाते रहिए नीले जब तक लोग ना आए। Shwadharinam, Gagadharinam,
शेखर चंद्रशेखर 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 कुंडलीकृत कुंडलेश्वर कुंडलम वृषवाहनम नारदादि मुनीश्वर स्तुत कुंभवंदेश्वर चंद्रशेखर 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 रक्षम गवरोगिणाम अखिलापदावहारिणम विनाशनम त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् मुक्तिमुक्तिफलप्रदम् सकलाभसङ्गनिवर्धनम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयम् शेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि मां चंद्रशेखर। ये स्टाफ वाले आ गए कि नहीं, स्टाफ क्वार्टर्स वाले? शुरू करें रंजन, शुरू करिए। आवाज नहीं आ रही है। Am I audible, रंजन? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। अब आप शुरू करें। जी सर, अब आवाज आ रही है सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी। जी सर, थैंक यू सर। सर प्रथम क्रीड़ा विभाग और महाविद्यालय की ओर से माननीय डायरेक्टर जनरल सर श्री अरुण भटनागर सर का हम स्वागत करते हैं, साथ ही हमारे तीनों प्रिंसिपल डॉक्टर केशव सर, मिश्रा सर, सिमरन मैडम और समस्त शिक्षक और स्टाफगण का स्वागत करते हैं। आज हम लोग सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, जो UGC और आयुष मंत्रालय के माध्यम से भी सभी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आयोजित किया जाता है। मैं थोड़ा सा योगा की तरफ चलूँ तो ये करीब सातवां योगा डे मना रहे हैं हम लोग, जो 2015 से शुरुआत की गई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मैं हमारे महाविद्यालय के माननीय DG सर, डायरेक्टर जनरल सर श्री अरुण भटनागर सर से निवेदन करूँगा कि वह आज हमारे शिक्षक एवं स्टाफ गण को उद्बोधन स्वरूप
क्योंकि सर से जब चर्चा हुई थी तो सर की दिनचर्या में कहीं ना कहीं योगा प्रतिदिन शामिल है। सर योगा प्रतिदिन करते हैं, कई सारे आसन करते हैं, तो क्यों ना हम आज 21 जून इस नए वर्ष की, इस नए एडमिशन की, एक नए परिवार की शुरुआत करें, नई एनर्जी के साथ सर के साथ मिलकर शुरुआत करें, ताकि भविष्य में इस महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। मैं पुनः महाविद्यालय की आग्रह करूंगा हमारे डायरेक्टर जनरल सर का कि वह आए और शिक्षक और स्टाफ को उद्बोधन स्वरूप प्रेरित करें। माननीय सर, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामना। आज हमने अपना प्रारंभ भगवान शिव की स्तुति से किया। सर आपका वीडियो बंद है सर। उसके पीछे एक कारण था। आज से करीब 5000 साल पहले और उससे भी पूर्व हिमालय में क्रांति सरोवर झील के तटों पर आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठे हैं, आदि योगी अर्थात भगवान शिव पहले योगी माने जाते हैं। उन्होंने ये ज्ञान हमारे वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से सप्तऋषियों को प्रदान किया और सप्तऋषियों ने उसको विश्व में फैलाया, जिसमें अगस्त का ऋषि का नाम सबसे प्रमुख है। शायद जो वैदिक काल था उसमें सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया था, इसी के प्रभाव से सारे शायद संभवतः सूर्य नमस्कार की शुरुआत हुई। प्राणायाम दैनिक संस्कार का हिस्सा था और फिर आए महर्षि पतंजलि, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र में योग की प्रथाओं, उसके आशय व उससे संबंधित ज्ञान को कूटबद्ध किया। योग का की परिभाषा विभिन्न लोगों ने दी है और समय समय पर दी है, उस पर एक मत नहीं है। कहना चाहिए तो योग का अर्थ शाब्दिक अर्थ तो युजर योग या युज संयमने धातु से होता है, जिसका अर्थ है जोड़ना। अब ये जोड़ना कई अर्थों में परिभाषित हुआ है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन या अपने शरीर का ही, मस्तिष्क का, शरीर मन बुद्धि आत्मा का संयोजन। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, योग एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर अलग से कभी एक सेशन हम लोग लेंगे। विभिन्न परिभाषाएं हैं, पतंजलि ने उसे योग चित्तवृत्ति निरोधा के रूप में परिभाषित किया, सांख्य दर्शन ने पुरुष व प्रकृति के प्राकृत्य को स्थापित कर उसे परिभाषित किया, विष्णु पुराण में परमात्मा और जीवात्मा के मिलन को योग कहा गया, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने समत्वम योग उच्चते करके समभाव करना ही योग है परिभाषित किया, बौद्ध धर्म में कुशल चित्त के एकाग्रता ही योग है उसको परिभाषित किया। तो योग की कई परिभाषाएं हैं और समय समय पर लोगों ने दी हैं, लेकिन मौलिक बात यही है कि योग का मतलब यह है जब हम अपने शरीर, मस्तिष्क, भावना, इमोशंस और एनर्जी को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस करते हैं तो वो योग के माध्यम से संभव है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का, योग करने का, युक्त करने का कार्य होता है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर धर्म में इसके बारे में जिक्र किया गया। तो उसी की योग की आज
आज 2015 में जो शुरुआत हुई, तो मौलिक साधारण शब्दों में कहें तो आज सबसे बड़ा दिन है 21 जून, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन माना जाता है 21 जून, और शायद इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को चुना, और इस दिन सूर्य भी अपने सबसे उच्चतम तापमान पर रहता है। तो ये भी कहा जाता है, कहीं मैंने पढ़ा है कि आज के दिन से ही योग की शुरुआत आदिशिव ने की थी, तो उसका उनका स्मरण करते हुए, उस भगवान शिव का स्मरण करते हुए जिस ओम शब्द से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, क्योंकि कहा भी गया है ब्रह्म प्रणव संया नाम नादो ज्योतिर्मय शिवा, प्रणव के अनुसंधान से ज्योतिर्मय और कल्याणकारी नाद उत्थित होता है, और उसी से फिर आत्मा का आत्मा प्रकट होती है, जैसे बादल के फटने से चंद्रमा। तो ये एक बहुत गूढ़ विषय है, और हमारे ऋषियों ने, हमारे चिंतकों ने इस पर समय समय पर अपनी व्याख्या दी है। तो योग को जीवन शैली का अंग बनाना नितांत अनिवार्य है, और आज कोविड के समय में, और अब जब विश्व ने इस पर अनुसंधान किए योग पर, प्राणायाम पर, तो ये प्रतिपादित किया कि सांसों पर काबू करने से, प्राणायाम करने से शरीर में क्या क्या आधारभूत परिवर्तन होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही कई डॉक्टर्स ने भ्रामरी प्राणायाम की उपयोगिता पर प्रकाश डाला, कोविड में किस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड का जन्म होता है, उससे ओम के उच्चारण से, हम साउंड से क्या क्या लाभ हो रहे हैं। तो मेरा IST, IPR, IMR के परिवार से यही अनुरोध है कि योग को और प्राणायाम को अपने दिनचर्या का एक अनिवार्य अंग बनाएं, क्योंकि ये हमको कई सारी व्याधियों से, कई सारी मानसिक चिंताओं से मुक्त करेगा। आइए हम सब लोग आज के दिन को शुरुआत करें, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे स्पोर्ट्स जो डीन है स्पोर्ट्स फैकल्टी के, कि वो आगे का कार्यक्रम संचालित करें। धन्यवाद। शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तृत और गहराई से संक्षिप्त रूप में जानकारी प्रदान करी। आज से हम सभी तीनों महाविद्यालय परिवार के सदस्य दिन प्रतिदिन इस योगा को शामिल करेंगे। मैं आज के हमारे जो डेमोस्ट्रेटर हैं, आप जितेंद्र परमार जी योग अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर जनरल सर की ओर से और हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, और मैं केशव पाटिल सर के माध्यम से एक सर निवेदन करना चाह रहा था कि मास्क को हम खोल सकते हैं सर थोड़ा सा, क्योंकि लंबी गहरी सांस से संबंधित क्रिया करनी है, यदि आप आदेश करें सर। सर जी, हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं आज के हमारे योगाभ्यास की। इसमें हम लोग UGC के प्रोटोकॉल के कुछ आसन हैं और कुछ थेरेपेटिकल हैं जो थेरेपी से संबंधित है, क्योंकि कोरोना काल में करीब 1.5-2 वर्ष से हम लोग घर पर हैं, बच्चे घर पर हैं, सीटिंग का ज़्यादा काम पड़ रहा है, तो कुछ ऐसे आसन हैं जो हमको बैक प्रॉब्लम के लिए कहीं ना कहीं सारी डिसीज के लिए काम देंगे। मैं जितेंद्र परमार सर से निवेदन करूँगा कि आप आज के योगाभ्यास को शुरू करें।
सभी को प्रणाम, सभी महाविद्यालय परिवार को, प्रिंसिपल्स और टीचरगण और सभी कर्मचारियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने अभी, आदरणीय सर ने योग का परिचय दिया, उन्होंने योग की परिभाषाएं बताई, योग को कैसे हमारी जीवन शैली में उतारना है उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। उसी को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए, सबसे पहले जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो हम प्रार्थना से उसकी शुरुआत करते हैं। प्रार्थना में, हमारे हिंदू धर्म में, सभी धर्म में प्रार्थना का एक अपना अलग महत्व है। तो योग अभ्यास के पूर्व सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सभी कमर सीधी, गर्दन सीधी, आप जिस भी आसन में बैठे हैं, जिनका पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगाइए, जिनका वज्रासन लगता है जिसमें मैं बैठा हूँ, या अगर वज्रासन लगता है तो इसमें बैठिए। दो आसन ऐसे हैं कि जिसमें आप अगर बैठेंगे तो आप कमर से झुक नहीं पाएंगे, इसमें आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। तो जब भी हम अभ्यास करें, योगाभ्यास करें, प्रार्थना करें, तो कोशिश करिए कि या तो हम पद्मासन में बैठें या वज्रासन में। जब सुखासन में बैठते हैं तो थोड़ी सी धीरे धीरे कमर हमारी झुक जाती है, इसलिए कोशिश करिए इस आसन में बैठने की, और इसमें ही हम प्रार्थना करेंगे। नमस्कार मुद्रा बनाइए, मैं प्रार्थना बोलूँगा, आप लोगों को उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। ॐ संगच्छद्वं संवदद्वं सं वो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते सज्जानाना उपासते। दोनों हाथों को रगड़ी लगाइए, आंखों से, चेहरे से लगा लीजिए। इसी योग की प्रायोगिक को हम आगे बढ़ाते हुए खड़े हो जाएंगे। जब भी हम योगाभ्यास करते हैं, आसन या प्राणायाम का अभ्यास, तो कुछ हम स्वच्छ व्यायाम पहले करते हैं, जिसे वार्म अप हम बोलते हैं। उसके लिए हम पहले शरीर को तैयार कर लेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस करिए, 1 से 1.5 फीट का अंतर रखेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। या तो ऊपर से गर्दन से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं, या पैरों से शुरुआत करिए, पैरों के पंजों से फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो पहला अभ्यास हम करेंगे गर्दन का। गर्दन का ऐसे रोटेशन करना है, हाफ रोटेशन करना है, ऐसे आगे की तरफ हाफ रोटेशन करिए। पूरा सर्कल नहीं करना है, पूरा सर्कल नहीं बनाना है, हाफ सर्कल बनाइए, आगे की तरफ हाफ सर्कल। आंखें खुली हुई रहेगी। इस अभ्यास में विशेष ध्यान रखना है कि आंखें खोल कर रखेंगे, आंखें अगर बंद करेंगे तो चक्कर आने का डर रहता है। अब गर्दन को पीछे की तरफ करिए, पीछे लटका दीजिए, फिर आधा सर्कल बनाइए, हाफ सर्कल बनाना है। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ कर रखिए। अब ऐसे साइड टू साइड ले जाइए, राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, साइड टू साइड। अब साइड में प्रेस करिए, राइट साइड प्रेस करिए, फिर लेफ्ट साइड प्रेस करिए, बिल्कुल आराम आराम से, बिना झटके से। झटके के साथ कोई भी अभ्यास हम नहीं करेंगे, ऐसा विशेष ध्यान रखना है। अब आगे पीछे, आगे की तरफ ले जाइए और पीछे की तरफ। ये हमने गर्दन का अभ्यास करा। अगला अभ्यास हमारा रहेगा हाथों का। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आइए, मुट्ठियां हमारी दोनों बंद रहेगी, और पूरा सर्कल बनाना है, ऐसे रोटेट करना है, पूरा आगे की तरफ, पूरा सर्कल बनाइए, पूरा रोटेट करिए। कोने से दोनों हाथ सीधे रहेंगे, ऐसा विशेष ध्यान रखना है। पूरा सर्कल बनाइए, और अब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ले जाइए, फिर पूरा सर्कल बनाइए। कोहनी से दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ अब कंधे पर रखिए, दोनों शोल्डर का मूवमेंट करना है, तो ऐसे दोनों एल्बो आगे मिलाएंगे, कोहनी को दोनों आगे मिलाते हुए पूरा सर्कल बनाइए। अब पीछे की तरफ, फिर कोहनियों को मिलाते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। अब साइड से ऊपर ले जाना है, ऐसे साइड से ऊपर ले जाइए, फिर नीचे लेकर आइए,
फिर ऊपर ले जाइए, फिर नीचे लेकर आइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर नीचे ले जाइए। ये हमने हाथों का अभ्यास करा। अब दोनों हाथ ऐसे कमर पर रख लीजिए, कमर का अभ्यास करना है। ऐसे इसमें भी आधा सर बनाइए पहले, हाफ आगे की तरफ। जिन लोगों ने बेल्ट लगाए हैं वो बेल्ट निकाल लीजिए, क्योंकि आसनों के अभ्यास में आप लोगों को दिक्कत आएगी। पूरा सर्कल बनाइए, आधा सर्कल। आप दोनों बटक ऐसे पीछे ले जाइए और पीछे आधा सर्कल बनाना है। आधा सर्कल बनाइए, बिल्कुल आराम आराम से। अभी सर ने भी बताया था कि योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसको पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान करते हुए करना पूरा अभ्यास। अब पूरा सर्कल बनाना बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। घुटने दोनों सीधे रहेंगे, विशेष ध्यान रखना है कि घुटने बेंड करके नहीं करना। ये अभ्यास में आपको घुटने में दर्द आ जाएगा, इसलिए विशेष ध्यान रहे कि घुटने दोनों हमारे सीधे रहे। अब दूसरी तरफ बनाइए सर्कल। बहुत बढ़िया। अब ऐसे साइड में ले जाएंगे, राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, यही राइट साइड और लेफ्ट साइड। इसको पेल्विक रीजन को सीधा रखना है, आगे की तरफ नहीं करना है, बिल्कुल साइड में सीधा रखिए। राइट लेफ्ट, दोनों हाथ कमर पर रखिए, सामने देखते हुए झुकना है। ऐसे सामने देखिए, लुकअप लुकअप, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ झुकिए, फिर सामने की तरफ, फिर पीछे ले जाइए, बिल्कुल आराम आराम से। एक बार फिर लास्ट टाइम, सामने की तरफ, फिर पीछे की तरफ। अब कमर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब इस जो हिप जॉइंट हमारा है, इसका हमको रोटेट करना है। तो ऐसे राइट लेग को उठा कर ले जाएंगे पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ लेके आएंगे। इस वाले जॉइंट का रोटेट करना है, राइट लेग को पीछे ले जाइए, फिर आगे की तरफ। गुड, पीछे ले जाइए, फिर आगे। इस सारे जॉइंट को हम खोल रहे हैं ताकि हम आसनों का अभ्यास अच्छे से कर पाएं। अब लेग चेंज करिए, दूसरे पैर से करिए, पीछे फिर आगे। वापस, अब इसे राइट लेग को आगे लेकर आइए, इसको एंकल रोटेशन करिए। जब भी चलने में, कहीं ऊपर चढ़ने उतरने में, अधिकतर जो पैर में मोच जो आती है वो इसी जॉइंट पर आती है। इसका अभ्यास अगर आप नियमित करेंगे, इसको अगर लचीला आपने कर लिया, तो कभी भी आपको मोच नहीं आएगी। दूसरी तरफ करिए, दूसरी तरफ घुमाइए उसी को, फिर आगे पीछे। वापस, दूसरे पैर से करिए, फिर रोटेट करिए। घुटना सीधा रहेगा, घुटने को सीधा रखना है। दूसरी तरफ घुमाइए, आगे पीछे, वापस। दोनों हाथ ऐसे सामने लेकर आइए, हाफ स्क्वायर पोजीशन, इस पोजीशन तक जाना है और वापस आना है, बिल्कुल आराम आराम से। वापस जाइए, ऊपर जाइए। जिनको घुटने में दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। वापस, दोनों हाथ कमर पर रखिए। अब पंजे के बल आना है, फिर एड़ी के बल, ऐसे बैलेंस बनाते हुए पंजे के बल, फिर एड़ी के बल। वापस, अब ऐसे दाएं पैर को मोड़कर लाइए, ऐसे लॉक करिए, पेट की तरफ दबाइए, पूरा प्रेस करिए और दबाइए। वापस, अब इसी को पीछे की तरफ ले जाइए, इसी पैर को पीछे की तरफ, पीछे मोड़िए। वेरी गुड, वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर से करिए, लेफ्ट लेग मोड़ कर लाइए, प्रेस करिए, पीछे की तरफ ले जाइए। बहुत बढ़िया। अब लास्ट में ऐसे दोनों हाथों को पकड़कर पूरा खींच दीजिए शरीर, फिर नीचे आइए, फिर खींचेंगे, वापस आ जाएंगे नीचे। ये इतना हमने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया। अब हमारा शरीर आसनों के अभ्यास के लिए बिल्कुल तैयार है। अगला अभ्यास हमारा रहेगा सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के लिए, सूर्य नमस्कार की 12 पोस्चर हैं, 12 आसनों का अभ्यास है। उसमें कुछ आसन रिपीट होते हैं, उसमें विशेष ध्यान आपको रखना है कि कहाँ तक आसन को ले जाना है, कैसे ले जाना है और वापस कैसे आना है।
विशेष सावधानी रखनी। अधिकतर लोग अभ्यास करते हैं पर कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती, कमर में दर्द कर देगी, कंधे में दर्द कर देगी या गर्दन में दर्द। तो गलत अभ्यास से धीरे धीरे जाके वो दर्द आपका स्लिप डिस्क सर्वाइकल ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। सुखदेव सर आप भाई, अब मैं सुखदेव सर करेंगे अभ्यास, मैं बताऊंगा कि कहाँ कौन सी मिस्टेक हम करते हैं और हम कैसे उसका सुधार करना है। इधर मुकुल जी सामने, चलिए आप लोगों को भी साथ में करना है, मैं बताता जाऊंगा। पहला अभ्यास हम बिना मंत्रों के करेंगे, अगला अभ्यास फिर हम मंत्रों के साथ करेंगे। दोनों पैर मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे, पंजे भी मिलाइए, दोनों हाथ बगल में थाई से सटे हुए, इस स्थिति में सावधान की स्थिति। अब अगला अभ्यास हम करेंगे, पहली स्टेप है हमारी वन, दोनों हाथ साइड से लेकर आइए, ऊपर मिलाइए, फिर सामने से नमस्कार मुद्रा बना लीजिए। ये सूर्य नमस्कार की प्रथम स्थिति है, सूर्य देवता को हम प्रणाम कर रहे हैं, पहली स्थिति। अब ये जो हमने नमस्कार मुद्रा बनाई इसमें विशेष ध्यान रखना, कुछ लोग यहाँ बनाते हैं इसे, ये गलत है। इसको यहाँ सूर्य चक्र जो होता है यहाँ दोनों अंगूठों को लगाते हुए यहाँ हमें नमस्कार मुद्रा बनानी, दोनों कोहनी हमारी साइड में सीधी रहेगी, ये प्रथम स्थिति। एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे, टू, दोनों हाथों को ले जाएंगे पीछे। अब इसमें विशेष ध्यान रखना है, जैसे गर्दन को पीछे लटका दे और दोनों हाथ आगे, ये गलत पोस्चर है। इसमें गर्दन को आगे रखेंगे, दोनों हाथ हमारे कान की सीध में ही रहेंगे, पूरा आर्च बनाना है आपको, दोनों हाथ कान की सीध में और फिर पीछे झुकिए, पूर्व जबरदस्त खिंचाव आएगा। यस, दोनों हाथ कान की सीध में, वेरी गुड, बैलेंस बना के रखिए, घुटने दोनों सीधे रहेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रखिए। और थ्री, धीरे धीरे पूरी श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, पूरी श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। अब आगे झुकने में विशेष ध्यान रखना है कि घुटने दोनों हमारे सीधे हो, घुटने बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास करेंगे, जहां तक भी आप जा रहे हैं वहां आपकी फाइनल पोजीशन होगी, पर घुटने दोनों सीधे, धीरे धीरे दोनों हाथों को जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे बिना घुटनों को मोड़े हुए। ये थ्री, थर्ड पोस्चर है। फोर, अब इसी में राइट लेग, दाया पैर पीछे ले जाएंगे, दाया पैर को पीछे ले जाइए, दाया पैर पीछे जाएगा और बाया पैर दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में लाने का प्रयास करिए, थोड़ा सा नीचे ले जाइए, बटक नीचे, यस। ये देखिए, ये 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए आपका, यहाँ 90 डिग्री का कोण, ये लेग अगर आपका पीछे रहेगा तो आपके घुटने के ऊपर लोड आएगा, और अगर नियमित अगर आप गलत अभ्यास करेंगे तो घुटना आपका दर्द करने लगेगा, इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि ये घुटना आपका बिल्कुल सीधा हो। पीछे वाले लेग की स्थिति या तो आप जमीन से उठाकर रखें या जमीन से इसको टच भी कर सकते हैं घुटने को, दोनों स्थिति सही है, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो कर सकते हैं, पर इसका विशेष ध्यान रखें, ये दोनों हाथों के बीच में यहीं पर रखें। ये फोर्थ स्टेप। फिफ्थ, इसको भी पैर को पीछे ले जाइए, सामने की तरफ देखना है, सामने की तरफ देखना है, इसमें सिर और बटक दोनों एक सीध में रहेंगे, सिर और बटक एक सीध में, सर थोड़ा सा बटक ऊपर उठाइए और थोड़ा सा, यस गुड, अब सामने की तरफ। ये पांचवी स्टेप है इसकी, इसमें सिर बटक दोनों एक सीध में रहेंगे, आपका पूरे शरीर का भार दोनों हाथों के ऊपर और पंजों के ऊपर। सिक्स, अष्टांग नमस्कार में दोनों घुटनों को पहले जमीन से लगाइए, दोनों घुटनों को, घुटनों को जमीन से लगाने के बाद चेस्ट को जमीन से लगाना है, बटक हमारे ऊपर रहेंगे, बटक ऊपर, दोनों कोहनियां शरीर से सटी हुई, शरीर से बिल्कुल चिपका के रखना है, और सामने की तरफ देखिए, चिन फ्लोर से लगाइए, चिन थोड़ी को जमीन से लगाइए, थोड़ी को जमीन से लगाना है, बटक हमारा ऊपर रहेगा। सेवन, भुजंगासन, कोबरा पोस्चर, यहीं से ऊपर की तरफ जाना है। अब इसमें विशेष ध्यान रखिए कि दोनों हाथ सीधे नहीं करना है, कोहनी हल्की सी मुड़ी हुई रहेगी, अगर हाथ आप सीधे कर देंगे तो पूरा लोड आपका कंधे के ऊपर आएगा, लोड आपका लंबर रीजन पर आना चाहिए, कमर के ऊपर, पंजे बाहर की तरफ कर दीजिए, पंजे बाहर रहेंगे सर, पंजे बाहर करिए, बाहर की तरफ सीधे कर दीजिए पंजे, ऐसे सीधे। ये सातवां आसन है, भुजंगासन। एट, अब यहीं से पर्वतासन में जाएंगे, पर्वतासन में सिर अंदर की तरफ ले जाएंगे, सिर को अंदर की तरफ ले जाइए और दोनों एड़ियों को जमीन से लगाना है, दोनों एड़ियों को जमीन से लगाइए, दोनों एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे, आपकी काफ और थाई मसल्स पर जबरदस्त खिंचाव आएगा, उस खिंचाव को आने दीजिए, उस खिंचाव को आने दीजिए, सिर को और अंदर ले जाइए, सिर को अंदर ले जाना है, इसको अंदर ले जाइए, सिर को अंदर की तरफ दोनों एड़ी को लगाने का प्रयास करिए, जमीन से दोनों एड़ियों को लगाएंगे, यहाँ से और अंदर ले जाइए, इसको और अंदर ले जाइए, सिर अंदर ले जाइए, गुड गुड, बस ये रोक रखिए। नाइन, अब राइट लेग को वापस आगे लेकर आना है, जिस पैर को पीछे ले गए थे उसी को आगे लेकर आना है, ये विशेष ध्यान रखना है, जिस पैर को पीछे ले गए थे दाएं पैर को उसी को आगे लेकर आना है, दाएं पैर को आगे, फिर दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों के बीच तक लाने का प्रयास करिए, सब थोड़ा सा आगे लेकर आइए, दोनों हाथों के बीच में, जब दोनों हाथों के बीच में आपका लेग आ जाएगा तब आपकी पोजिशन सही है। टेन, पादहस्तासन, फिर लेफ्ट लेग आगे लेकर आइए, फिर दोनों घुटने सीधे,
जमीन से दोनों हाथों को टच करने का प्रयास करिए। जिनके दोनों हाथ जमीन से टच हो रहे हैं वो माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। फाइनल पोजीशन में हमारा फोरहेड घुटने से टच रहेगा, ऐसा प्रयास करना है। 11, आर्च योर बैक, पीछे की तरफ ले जाएंगे। दोनों हाथ फिर कान की सीध में, कान की सीध में रखना है। खींच के रखिए, हाथों को खींचिए ऊपर, आर्च बनाइए, पूरा पूरा आर्च बनाइए, और पीछे जाइए और पीछे। 12, नमस्कार मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, कम बैक, धीरे से आ जाएंगे वापस। ये अभी हमने दाएं पैर से करा, अब इसी को हम बाएं पैर से करेंगे, तब हमारा एक राउंड कंप्लीट होगा। तो अभी हम थोड़ा सा बिना रुके हुए करेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए फिर आ जाइए। 1, नमस्कार मुद्रा। 2, आर्च योर बैक। 3, एक्सहेल डाउन, पूरी श्वास छोड़ते हुए झुकना है। 4, अब लेफ्ट लेग बैक, लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, बाया पैर पीछे ले जाना है। 5, फिर राइट लेग ले जाइए पीछे, सामने देखिए, सिर भटक एक सीध में। 6, अष्टांग, घुटने लगाइए जमीन से, चेस्ट लगाइए, पटक ऊपर, पटक ऊपर। 7, भुजंगासन, यहीं से ऊपर की तरफ ले जाइए, वेरी गुड। 8, पर्वतासन, यहीं से जाना है, सिर को अंदर की तरफ ले जाना है, बटक ऊपर ले जाइए, एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयास करिए। 9, अब लेफ्ट लेग आगे आएगा, जिस पैर को पीछे लगे उसी पैर को आगे लाना है, लेफ्ट लेग आगे। 10, राइट लेग आगे लेकर आइए। 11, आर्च योर बैक। 12, नमस्कार मुद्रा, कम बैक, धीरे से वापस आ जाइए, साइड से वापस आ जाइए, हाथों को नहीं, आप हाथों को ले आइए इसे। अभी हमने करा बिना मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जब ये हमारा बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता तो इसी को हम मंत्रों के साथ करते हैं। 12 मंत्र हैं, 12 मंत्रों के साथ 12 आसनों का हम अभ्यास करेंगे। मैं मंत्र बोलूंगा, आप लोगों को करना है। चलिए फिर दोनों पैर मिला लीजिए, एक बार फिर करेंगे मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम शांति शांति शांति। ये दाएं पैर से हमने मंत्रों के साथ करा, एक बार बाएं पैर से फिर आसनों का अभ्यास करेंगे। एक बार बाएं से करना है, फिर दोनों पैर मिलाइए, लास्ट अभ्यास सूर्य नमस्कार का। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम शांति शांति शांति। बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। अभी हमने किया सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार भी अपने आप में एक संपूर्ण योग है, इसमें हमारे शरीर से संबंधित सारे आसनों का अभ्यास हो जाता है। अगला अभ्यास हम सूर्य नमस्कार के बाद करेंगे, आसनों का अभ्यास। आसनों में हमें ऐसे आसनों का अभ्यास मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब भी हम सिटिंग पोजीशन ज़्यादा रहती है, या जिन लोगों को कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है,
या हमेशा दर्द बना रहता है या जब लैपटॉप पे काम करते हैं तब दर्द हो जाता है, उसमें हम किन किन आसनों का अभ्यास करें, कैसे उनका अभ्यास करना है, कितनी देर तक उनमें रोक कर रखना, ये आपको पूरा मैं साइंटिफिक बताऊंगा। जब भी आपको दर्द हो और इस अभ्यास को अगर आप करेंगे आपको एकदम आराम मिलेगा, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। और जिनको दर्द नहीं है वो अगर इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो उनको जीवन में कभी भी कमर दर्द और गर्दन का कोई दर्द नहीं होगा। धीरे से दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैर मिलाएंगे, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। सर अभी हाँ, अब मैं जैसा निर्देश दूं आपको उन निर्देशों का पालन करना है। राइट लेग को धीरे धीरे लेकर आइए ऊपर, दाया पैर 90 डिग्री तक ले जाएंगे, 90 डिग्री पर लेकर जाइए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, दोनों हाथों से लेग को पकड़िए, थाईस को, थाई या काफ पकड़ लीजिए, यस, घुटने से सीधा करने का प्रयास करेंगे, हाँ घुटने से सीधा रखिए। और अब पंजे को ऊपर नीचे करिए, पंजे को ऊपर नीचे करना है, आपकी पीछे की काफ और थाई मसल्स पर खिंचाव आने दीजिए, यस, सिर को नीचे रखिए, गर्दन नीचे रखना, गर्दन नहीं उठानी है, गर्दन उठाना नहीं है, पंजे को ऊपर नीचे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए जिनका बहुत ज्यादा कड़कपन है उनको दर्द हो रहा होगा, मसल्स में बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा होगा, वो इसलिए हो रहा कि उसमें कड़कपन ज्यादा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, उसको लचीला करने के लिए ये अभ्यास है। धीरे से रिवर्स पोजिशन में आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए, वापस आने के बाद सेम अदर लेग से करेंगे, दूसरे लेग को लेकर आइए, लेफ्ट लेग ऊपर लेकर जाइए, 90 डिग्री दोनों हाथों से पकड़ लीजिए लॉक करके, फिर पंजे को ऊपर नीचे करिए, बिल्कुल आराम आराम से, बिना झटके से, घुटने से सीधा रखने का प्रयास करना है, घुटने से सीधा रखिए, बहुत बढ़िया। 5 से 6 बार करने के बाद धीरे से आ जाएंगे वापस, धीरे बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब दोनों पैरों को एक साथ लेकर जाना है, दोनों पैरों को एक साथ लेकर जाइए, 30, 45, 60, 90 डिग्री, फिर दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, दोनों हाथों से पकड़िए, बटक पीछे मत उठने दीजिए, बटक को फ्लोर पर ही रखना है, यस, या 90 डिग्री सर, यहाँ थोड़ा सा और सीधा कर, यस। अब पंजों को ऊपर नीचे करिए, फिर पंजों को एक साथ ऊपर नीचे, बहुत बढ़िया सर, पंजों को ऊपर नीचे आने दीजिए खिंचाव, आपकी पिंडली और जंघा की मांसपेशियों पर खिंचाव आने दीजिए। जिनको घुटने में दर्द हो जाता उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है, जिसको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है पिंडलियों में, उनके लिए रामबाण का काम करता है ये आसन, अर्ध हलासन इसका नाम है। कुछ 2, 4, 5 बार करने के बाद धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए, 60, 45, 30 डाउन, रिलैक्स, दोनों पैरों में डिस्टेंस करिए, दोनों हाथ साइड में, हथेली आसमान की तरफ, और लंबी गहरी सांस लीजिए। जब भी हम आसनों का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान रखना है कि बढ़ी हुई हृदय गति में किसी भी आसन का अभ्यास नहीं करें। जब भी हम आसन करें, हार्ट बीट हमारी बढ़ गई, थोड़ा सा आगे रिलैक्सेशन करिए सब आसन में, फिर अगला आसन करना है। अब अगले आसन के लिए तैयार हो जाइए, दोनों पैर मिलाइए, राइट लेग को मोड़कर लेकर आइए, दाया लेग मोड़कर लेकर आना है, दोनों हाथों से फिंगर लॉक बना लीजिए, यहाँ पर प्रेस करिए, पूरा दबाइए, और गर्दन को ले जाइए ऊपर की तरफ, चिन को लगाने का प्रयास करेंगे, चिन टच करने का प्रयास करिए, जितना जहां तक आप जा रहे हैं, लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा रखिए, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, दूसरा पैर सीधा रहेगा, धीरे से आ जाएंगे वापस। जिनको गर्दन में दर्द है वो गर्दन को नहीं उठाएंगे, सिर्फ पैर को ही दबाएंगे, बस सीधा कर दीजिए। अब दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर से करिए, बायां पैर मोड़कर लेकर आएंगे, फिंगर लॉक करिए, प्रेस करिए, धीरे से सिर को ले आइए ऊपर की तरफ, चीन लगाने का प्रयास करिए, टच करेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे और धीरे से आ जाएंगे वापस। कुछ लोगों के दूसरा पैर मुड़ रहा कौन इससे घुटने से, घुटना बिल्कुल सीधा रखना है दूसरे पैर का। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों को मोड़कर लाइए, दोनों हाथों से लॉक कर लीजिए, पूरा प्रेस करिए, पेट की तरफ दबाइए पहले, और फिर धीरे से गर्दन लेकर आना है ऊपर की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे लेकर आइए, और चीन थोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चलने दीजिए, श्वास रोक कर नहीं रखेंगे। जिनको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल की जिनको भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ अगर इसका आसन का अभ्यास करेंगे तो जबरदस्त फायदा करता है। धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आइए, रिवर्स पोजिशन में वापस आना है, जिस पोजिशन में आसन में जा रहे हैं वैसे ही पोजिशन में वापस। वापस आने के बाद दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। अगला अभ्यास है आप लोगों के लिए मेरुदंडासन। यह आसन सभी के लिए बहुत जरूरी है, इसको हर बीमारी में इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, और कमर दर्द और गर्दन दर्द में सबसे ज्यादा उपयोगी आसन है मेरुदंड। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में ले जाइए, शोल्डर की सीध में, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रहेगी। इसकी 4 स्टेप होती है, मैं 4 स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ, एड़ी पंजे मिला के रखिए, एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे। अब दाएं पैर को उठा कर लाइए और धीरे धीरे साइड में ले जाइए, उठाने के बाद साइड में ले जाइए, घुटने से सीधे रहेगा, घुटने से सीधा, गर्दन उस तरफ,
गर्दन को उस तरफ ले जाएंगे और जमीन से टच करने का प्रयास करिए, जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे, गर्दन इस तरफ, सर गर्दन इस तरफ लाइए, यस यस, घुटने से सीधा, घुटने से सीधा, यस। जमीन से टच करने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, इसमें देखिए स्पाइन की ट्विस्टिंग हो रही है, पूरी स्पाइन के अच्छे से निचोड़ होता है, धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आइए। इसी को दूसरे पैर से करेंगे, अब दूसरे पैर से करना है, लेफ्ट लेग लेकर जाइए राइट साइड, नेक ऑपोजिट साइड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ, जमीन की तरफ, हाँ ऐसे रहेंगे, उठना नहीं है, हाथों को उठने मत दीजिए, धीरे से आ जाएंगे वापस। एक बार फिर इसी को करना है, फिर राइट लेग लेके जाइए लेफ्ट साइड, देखिए कमर में कितना आराम मिलेगा इस आसन से, ले जाइए, टच करिए जमीन से, टच करने के बाद वापस आ जाएंगे, बस ज्यादा देर रुकना नहीं है, टच करना है वापस आ जाएंगे। अब दूसरे लेग से करिए, दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग को लेके जाइए राइट साइड, जमीन से टच करिए, नेक दूसरी तरफ ले जाना और वापस आ जाएंगे, वापस आ जाइए। यह इस आसन की पहली स्टेप है, मेरुदंडासन की पहली स्टेप। अब सेकंड स्टेप, वापस आ जाइए, सेकंड स्टेप के लिए क्या करना है, दाएं पैर के एड़ी को बाएं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रखना है, अंगूठे और उंगली के बीच में दाएं एड़ी को, और धीरे से कमर को ट्विस्ट करते हुए साइड में ले जाएंगे, ये साइड में ले जाइए, गर्दन ऑपोजिट साइड, गर्दन को दूसरी तरफ ले जाना है, बहुत बढ़िया, कमर से ट्विस्ट करिए, दोनों पंजों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे, ले जाइए इस तरफ, गर्दन इस तरफ, धीरे से आ जाएंगे वापस। अब दूसरी तरफ जाने के लिए लेग चेंज कर लीजिए, लेग चेंज करिए, दूसरी एड़ी को रखिए, दूसरी एड़ी को रखते हुए इस तरफ ले जाएंगे, ट्विस्ट करिए, पूरा स्पाइन के ट्विस्टिंग वाला आसन है, गर्दन को दूसरी तरफ वापस, ये सेकंड स्टेप मेरुदंडासन की, सेकंड स्टेप ये है। अब थर्ड स्टेप के लिए क्या करना है, थर्ड स्टेप के लिए राइट लेग मोड़ कर लाइए, बाएं घुटने पर रखिए, थोड़ा सा तिरछा रखना है, तिरछा रखिए ऐसे, तिरछा, यस। अब साइड में ले जाना है, ले जाइए लेफ्ट साइड, नी को फ्लोर से टच करना है, नी को फ्लोर से टच करने का प्रयास करेंगे, ले जाइए गर्दन को दूसरी तरफ, गर्दन को दूसरी तरफ, बहुत बढ़िया, घुटने को जमीन से टच करने का प्रयास करना है, कंधे को उठने मत दीजिए, धीरे से आ जाएंगे वापस, धीरे से वापस आ जाइए। इसी को दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे पैर से करिए, दूसरे पैर को मोड़ कर लाइए, ले जाइए जमीन से लगाने का प्रयास करिए, टच करने का प्रयास करिए, वापस धीरे से आ जाएंगे वापस। एक बार फिर इसी का अभ्यास, फिर राइट लेग को मोड़ कर लाइए, घुटने के नीचे रखिए क्रॉस करके, और ले जाइए लेफ्ट साइड ले जाइए, जमीन से लगाने का प्रयास करिए, जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे वापस, बस टच करने के बाद वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ से करना है, दूसरी तरफ से करिए, दूसरी तरफ से करेंगे, जमीन से टच करने का प्रयास करिए वापस। ये इसकी थर्ड पोजीशन कंप्लीट है। फोर्थ स्टेप के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के लाइए, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के लाइए, जमीन पर ही रखना है, जमीन पर रखिए। अब हाथ वहीं रहेंगे, हाथ दोनों शोल्डर की सीध में। अब दोनों पैरों को एक साथ ले जाइए, लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, गर्दन को राइट साइड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दोनों पैर मिला के, घुटने भी मिले हुए रहेंगे इसमें, धीरे से आ जाएंगे वापस। अब दूसरी तरफ ले जाइए, दूसरी तरफ ले जाएंगे वापस, एक बार फिर इसका अभ्यास कर लीजिए, फिर लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड वापस, धीरे से आ जाएंगे वापस, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। यह मेरुदंड आसन था अभी हमने जिसका अभ्यास करा, इसकी चार स्टेप, यह कमर के लिए और गर्दन के लिए रामबाण का काम करता है। यह आसन आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, इसकी चारों स्टेप ये कॉम्बिनेशन में करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऐसे कॉम्बिनेशन में करना, तभी इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी के बाद अगला अभ्यास है हमारा सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़कर फिर लेकर आएंगे, जमीन पर रखेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे पैरों में, थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथ भटक के नीचे रख लीजिए, दोनों हाथ भटक के नीचे, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस रखिए बैलेंस बनाने के लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, ज्यादा नहीं सर, थोड़ा सा, 1 से 1.5 फीट। अब श्वास भरते हुए कमर को ऊपर ले जाना है और छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास भरते हुए कमर ऊपर ले जाइए, छोड़ते हुए वापस, नहीं ये नहीं करना है सर, कर रहे हैं पैर नहीं उठेंगे, पैरों को मोड़ के रखिए, हाँ कमर को ऊपर उठाना है, कमर यस, हाथ भटक के नीचे यही रहेंगे जब, हाँ अभी ऊपर जाना है, नीचे आना, जब होल्ड करेंगे तब कमर पर रखेंगे, वापस आ जाइए, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे, 3 से 4 बार ऐसा अभ्यास करा। आप लास्ट में श्वास भरते हुए ऊपर जाइए, दोनों हाथ कमर पर रखिए और होल्ड कर दीजिए ऊपर, दोनों हाथ ऐसे रखने के बाद होल्ड करिए, ऊपर की तरफ होल्ड करिए, गुड, बहुत बढ़िया, थोड़ी देर रोक कर रखिए, देखिए पूरी स्पाइन पर खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव को महसूस करिए
और कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस आने के बाद दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए और अब करेंगे हम अगला अभ्यास, पेट के बल करने वाला अभ्यास। पेट के बल आ जाइए, ऐसे सीधे कर लीजिए, मुंह कर लीजिए, पेट के बल, पेट के बल आ जाइए, सामने मुंह कर लीजिए, सामने मुंह कर लीजिए, पेट के बल आ जाइए। अभी हमने अभ्यास किया पीठ के बल करने वाले आसनों का अभ्यास। अगला अभ्यास इधर मुंह कर लीजिए। हाँ, अगला अभ्यास करेंगे हम भुजंगासन। यहाँ भी कमर के लिए बहुत अच्छा आसन, पर ध्यान रखना है भुजंगासन का अभ्यास उन लोगों को नहीं करना है जिनको स्पाइन की वर्टिब्रास में गैप कम है। बहुत सारी कंडीशन रहती है, कमर में जब दर्द होता है तो वर्टिब्रास में गैप कम हो जाता है, किसी किसी को गैप बढ़ जाता है, किसी किसी की नुक निकल जाती है, किसी को बल्जिंग हो जाती है, किसी को हार्निएशन रहता है, तो सबकी अलग अलग कंडीशन है। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कमर दर्द में बहुत फायदा यही करता है। अभी मैंने जो बताया था मेरुदंड जो चार स्टेप वाला है वो आपको बहुत फायदा करेगा, और इस आसन में आपको विशेष सभी कंडीशन में वो फायदा करेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है जिनको पीछे जाने में दर्द हो रहा है वो भुजंगासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करे, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। दोनों हाथों को लेकर आइए, शोल्डर की सीध में रखिए, भुजंगासन कोबरा पोस्चर। अब नाक और माथे को जमीन से लगाते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी ऊपर लेकर आना है, नाभि तक का भाग ऊपर ले जाना है, बस नाभि तक का भाग, नाभि तक का भाग ऊपर ले जाएंगे। ऊपर की तरफ देखिए, गर्दन को खींच के रखिए, नाभि तक का भाग ऊपर ले जाना है, कोहनिया शरीर से सटी हुई चिपका के रखिए और मुड़ी हुई इस पोजिशन में ऊपर की तरफ देखिए। आपका पूरा एकदम दबाव आता है हमारी कमर वाले भाग पर जिनको पीछे झुकने में दर्द हो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। यहाँ भुजंगासन का अभ्यास। अगला अभ्यास है दोनों हाथ थाइस के नीचे रखिए, शलभासन। इसी में अगला अभ्यास है शलभासन। शलभासन के लिए पहले एक एक पैर ऊपर ले जाइए, राइट लेग ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाने के बाद फिर वापस नीचे ले आइए, दूसरे पैर को ले जाइए, अल्टरनेट राइट लेफ्ट ऐसा ले जाइए। दो से तीन बार ऐसा अभ्यास करेंगे। चीन को फ्लोर से लगा कर रखिए, चीन आपकी फ्लोर से लगी हुई रहेगी। धीरे से आ जाएंगे वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ ले जाइए ऊपर नीचे, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले जाइए, फिर नीचे लेकर आइए। चीन फ्लोर से लगा कर रखिए, चीन फ्लोर से लगी हुई रहेगी। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर, फिर वापस नीचे, एक बार फिर लास्ट टाइम, एक बार फिर ऊपर और वापस। धीरे से आ जाएंगे वापस। धीरे से साइड से करवट लेकर बैठ जाइए, राइट साइड से करवट लेकर बैठना है, राइट साइड से टर्न करिए और करवट लेकर बैठ जाइए, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। अब हमने करा है पेट के बल, ये दो आसन ही करना है, जब भी कमर में दर्द हो इन दोनों आसनों का अभ्यास करना है। अगला अभ्यास है हमारा वक्रासन, पेट का करने वाला आसन। पेट कर करने वाले आसनों के अभ्यास के लिए राइट लेग को मोड़कर लेकर आइए, राइट लेग को मोड़कर लाएंगे, लेफ्ट घुटने के एकदम सीध में रखना है। विशेष ध्यान रखें, ना ज्यादा पीछे ले जाना है ना ही आगे रखना है, इस घुटने की सीध में, लेफ्ट घुटने की एकदम सीध में, और ऐसा मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मुड़ा हुआ गलत रहेगा, इधर साइड में ज्यादा प्रेस करना ये भी गलत पोस्चर है, एकदम सीधा। अब जिस पैर को मोड़ कर लाए हैं उसी हाथ को पीछे ले जाएंगे, इस हाथ को पीछे ले जाइए, पीछे पीछे जमीन से ले जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, आप साथ साथ में करो। अब रीढ़ की हड्डी की एकदम सीध में रखना है, पीछे पीछे की पोजिशन आपकी ये रहेगी, राइट लेग मोड़ कर लाए, राइट हैंड, तो यहाँ रीढ़ की हड्डी की सीध में इस स्थिति में रखना है, और इतना गैप 6 से 9 इंच की दूरी पर रखना है इस पोजीशन में, इसमें रख लिया। फिर लेफ्ट हैंड को ले जाइए ऊपर। अब हम इसको कमर दर्द के लिए कर रहे हैं इसलिए पूरा क्रॉस नहीं करेंगे, ये फाइनल पोजीशन आसन की ये है, यहाँ से जाने के बाद ये पकड़ लेंगे फाइनल पोजीशन, आपको ये नहीं करना है। आप कमर दर्द के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ से इसको मोड़कर ऐसे पकड़ लीजिए, आसान है ये, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे उस हाथ से, जिस पैर को मोड़ कर लाए वो हाथ पीछे जाएगा। अब धीरे से गर्दन पीछे जाएगी, जिस तरफ हाथ गया है उसी तरफ पीछे गर्दन ले जाइए, वेरी गुड। फिर देखिए इसमें जबरदस्त आपकी स्पाइन की ट्विस्टिंग हो रही है, उस हाथ को लाइए, मैंने बोला ना जिस पैर को मोड़ लाए हैं उसी हाथ को पीछे ले जाना है, गर्दन पीछे ले जाओ, बहुत बढ़िया, गर्दन और पीछे, श्वास सामान्य चलने दीजिए, श्वास प्रश्वास आपकी सामान्य रहेगी, और धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए, गर्दन सीधी, रिवर्स पोजिशन में वापस आना है, क्रॉस की आवाज सीधा, पीछे गया आवाज सीधा, पैर सीधा, जिस पैर को मोड़ा अब दूसरे पैर से करेंगे इसी को, दूसरे पैर, ये अपने आप में काउंटर आसन है, इसका काउंटर आसन अपने आप में यही है। लेफ्ट लेग से लेफ्ट हैंड पीछे ले जाइए, राइट हैंड को गुड को एल्बो से मोड़ लीजिए, कोहनी से मोड़िए और गर्दन फिर ले जाइए लेफ्ट साइड, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। पीछे वाले हाथ की स्थिति अगर गलत आपकी है, आपने ज्यादा दूरी पर रख ली तो आपका पोस्चर गलत हो जाएगा, पीछे वाले हाथ की स्थिति बिल्कुल सीधी रखिए, और देखिए स्पाइन की जबरदस्त ट्विस्टिंग हो रही है।
पूरा ध्यान उसी पर लगा कर रखिए। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य चलने दीजिए, श्वास प्रश्वास आपकी बिल्कुल सामान्य रहेगी। धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस आने के बाद फिर पैरों को सीधा कर दीजिए और लंबा गहरा श्वसन लीजिए, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। अगला अभ्यास है हमारा इसी में पश्चिमोत्तान आसन। अब इसमें विशेष ध्यान रहा है, जिनको वर्टिब्रास में गैप बढ़ गया है उनको इसका अभ्यास नहीं करना है, जिनको गैप कम हो गया उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथ साइड से लेकर आइए, ऊपर ले जाइए और पूरी श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाइए, पूरी श्वास छोड़ते हुए झुकना है। दोनों पंजों को पकड़ लीजिए, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, ऐसी कोशिश करिए, घुटने मोड़ना नहीं है, बिना घुटनों को मोड़े हुए लगाने का प्रयास करेंगे। जिनको आगे झुकने में दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, ऐसा विशेष ध्यान रखना है। धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस, रिवर्स पोजिशन में वापस। वापस आने के बाद इसका काउंटर आसन है उष्ट्रासन। राइट लेग मोड़कर लाइए, वज्रासन में बैठिए, फिर लेफ्ट लेग मोड़कर लाइए, वज्रासन में आ जाइए और घुटने के बल खड़े हो जाइए, घुटने के बल खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर पर रखिए, अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसमें दोनों घुटने में थोड़ा सा डिस्टेंस बैलेंस बनाने के लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बस, लास्ट सर अभी बस बैठने पर दो आसन खड़े होकर खत्म है। फिर पूरी पीछे की तरफ झुक जाइए, गर्दन को पीछे लटका दीजिए, गर्दन को पीछे लटकाना और कमर से पीछे की तरफ झुक जाइए, कमर से पीछे की तरफ झुकिए, वापस वापस आ जाइए। एक बार फिर इसी को फिर पीछे की तरफ ले जाइए। अब इसमें भी ध्यान रखना है, जिनको पीछे झुकने में दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। वापस धीरे से आ जाएंगे, वापस बैठ जाइए, इसी में बैठ जाइए। अब करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन में दोनों इस पोजीशन में भी करते हैं और दोनों घुटनों में गैप करके भी करते हैं। ये बड़ा रिलैक्सिंग पोस्चर है, इसमें बहुत मजा आएगा करने में। दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, पूरी श्वास छोड़ते हुए झुक जाइए आगे की तरफ। बटक पीछे से उठेंगे नहीं, ऐसा प्रयास करना है, पीछे से बटक नहीं उठे आपका, ऐसा प्रयास करिए। दोनों हाथों को खींच के रखिए, बहुत बढ़िया, बड़ा रिलैक्सिंग पोस्चर है, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। ये बालों के लिए बहुत अच्छा आसन है, जिनके बाल झड़ रहे हैं वो अगर इसका नियमित अभ्यास करेंगे। इसमें तेजी से ब्लड का फ्लो सिर की तरफ होता है, तो बालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा, आंखों के लिए बहुत अच्छा है और चेहरे पर ग्लो बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। धीरे से रिवर्स पोजीशन में आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस आने के बाद दोनों घुटनों को मिला लीजिए, इसी में करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण का काम करता है ये आसन, मंडूकासन। दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी बनाकर नाभि की साइड में रखिए और फिर पूरी श्वास छोड़ते हुए झुक जाएंगे। अभी जैसे झुके वैसे ही झुक जाइए, दोनों कोहनियों को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों कोहनी को ढीला छोड़िए, ढीला छोड़ दीजिए और देखिए पेन क्रियास के ऊपर जबरदस्त दबाव आ रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर जबरदस्त दबाव आता है। श्वास प्रश्वास चलने दीजिए, वहां जाने के बाद श्वास प्रश्वास चलने देना है, श्वास प्रश्वास चलने दीजिए और धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। और दोनों हाथ ऐसे घुटने पर रख लीजिए। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रासन, लास्ट आसन है बैठ के करने वाले आसनों में, गर्दन सीधी। जिनको गर्दन में दर्द हो जाता है, जो कंप्यूटर पर वर्क करते हैं दिन भर बैठे रहते हैं, जिनको गर्दन में दर्द होने लगता है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे ले जाइए राइट साइड, आराम आराम से, आंखें खुली हुई रहेगी। जिनको चक्कर आते हैं वो आंखें खोल कर रखेंगे, बाकी बंद कर सकते हैं। अब शोल्डर बिल्कुल सीधे रखने, शोल्डर को नहीं ले जाना है, बिल्कुल धीरे से आएंगे वापस, दूसरी तरफ ले जाइए, दूसरी तरफ लेके जाइए। चीन को शोल्डर की सीध में ले जाने तक का प्रयास करेंगे। वापस इसको जैसे हमारे पास समय रहे वैसा कर सकते हैं, 5 बार 8 बार इसका अभ्यास। फिर गर्दन को पीछे ले जाइए, अब पीछे ले जाइए। जिनको पीछे ले जाने में दर्द हो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, वैसे कम लोगों को होता है, आगे ले जाने में ज़्यादा दर्द होता है। अब आगे ले जाइए, जो दिन भर वर्क करते हैं कंप्यूटर पर या कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनको पीछे वाला अभ्यास ज़्यादा करना है। वापस फिर पीछे ले जाइए, पीछे रोक कर रखिए थोड़ी देर। वापस एक बार फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, वापस आ जाए। दोनों हाथ साइड से ले जाइए, साइड से ले जाइए, ऊपर ले जाइए, लॉक करिए, फिंगर लॉक टर्न करिए, खींचिए ऊपर, ऊपर की तरफ खींचना है, खींच कर रखोगे कोनी से सीधे, और खींचिए और खिंचाव दीजिए, पेट अंदर की तरफ खींचिए, पेट को अंदर की तरफ खींचना है। वापस धीरे से आ जाएंगे वापस, इतना आसन हमको बैठ कर करना है। फिर खड़े हो जाइए, अब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों पैर मिला के रखना है। राइट हैंड को साइड से लेकर आइए, टर्न करिए, ऊपर ले जाइए, कान से लगाइए, कान से पैरों को मिला के रखिए सर, पैरों को मिला के रखिए और झुक जाइए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड झुकिए, लेफ्ट साइड को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पेल्विक रीजन को बिल्कुल सीधा रखना है, राइट हैंड को सीधा रखिए, आगे से मत करिए, धीरे से आ जाएंगे वापस। इसी को दूसरी तरफ से करना है, अगर आगे से हम करेंगे तो ये हमें जितना लाभ खींचने का मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा,
साइड से पेल्विक को सीधा रखना, पेल्विक रीजन बिल्कुल सीधा रखिए, लेफ्ट हैंड ऊपर वाले हाथ को खींच के रखिए, साइड वाले हाथ को ढीला छोड़ के रखिए, धीरे से आ जाएंगे वापस, वापस आ जाइए। अब पादहस्तासन, थोड़ा सा दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और फिर पूरी सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाइए, पूरी सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, दोनों घुटने सीधे, दोनों घुटने सीधे और जमीन से लगाने का प्रयास करिए। जिनके हाथ जमीन से टच हो रहे दोनों हाथों को पीछे से एंकल को पकड़ लीजिए, एंकल को पकड़िए और खींचिए, सिर को और अंदर ले जाने का प्रयास करिए और खींचिए, और खिंचाव दीजिए, और खिंचाव दीजिए, घुटने दोनों सीधे, धीरे से आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस आने के बाद दोनों हाथ कमर पर रखिए, दोनों हाथ कमर पर रखने के बाद पीछे की तरफ झुक जाइए, पीछे की तरफ झुकिए, पीछे की तरफ झुकिए, वापस। लास्ट अभ्यास हमारा है ताड़ासन, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, लॉक करिए, खींचिए ऊपर की तरफ, पंजों के बल आना है, पंजों के बल ले जाइए, वापस आ जाइए, एक बार फिर ले जाइए। थेरेपी में 4 से 5 बार ऊपर नीचे करते हैं, वापस, फिर ऊपर, फिर नीचे, वापस। लास्ट में दोनों हाथ ऐसे कमर पर रख लीजिए और एक एक पैर से ऊपर ले जाइए। देखिए सबकी कमर बहुत अच्छी हो गई, एकदम लचीली लग रही होगी, अभी आज दिन भर बहुत एनर्जेटिक लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वापस, इतना अभ्यास, जब भी कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपका दर्द छुमंतर हो जाएगा, बिल्कुल। बैठ जाइए। अब हमारे प्राणायाम बचे, 2 प्राणायाम और मैं बता दूं। प्राणायाम के बाद फिर ओमकार और शांति पाठ करेंगे। अब प्राणायाम में पहला मैंने बताया था कि वज्रासन या पद्मासन में बैठना है, तो वज्रासन लगा लीजिए, जिनका पद्मासन लगता हो पद्मासन लगा लीजिए, वज्रासन लगता हो वज्रासन में बैठ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। अब इस आसन में बैठ के हमको पहला अभ्यास है, क्रिया करनी है कपालभाती क्रिया। कपालभाती जिनका पेट बढ़ गया हुआ, पेट कम करने के लिए, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिनका खाना पचता नहीं, अपच की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है कपालभाती। करना क्या है, हर बार आपको श्वास बाहर फेंकना है, जैसे ही श्वास बाहर फेंकेंगे पेट अंदर जाएगा। अब श्वास लेना नहीं है, इसमें लेने की क्रिया नहीं करनी है, हर बार फेंकने फेंकना है, लेने की क्रिया स्वतः अपने आप होगी, पूरे शरीर में झटका नहीं लगना चाहिए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, बस पेट आपका, जैसे ही श्वास बाहर फेंकेंगे पेट अंदर जाएगा। करते जाइए, 1 मिनट में 120 स्ट्रोक करना है, ऐसा अभ्यास रहता है इसका। मास्क निकाल दीजिए, आप मास्क निकाल के करिए, अब करिए, पूरी श्वास फेंकिए बाहर, पेट अंदर जाएगा आपके पेट में। यहाँ जब रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं, अभी देखेंगे आपकी थोड़ी देर बाद यहाँ दर्द होने लगेगा नाभी वाले भाग पर, वो इसलिए कि यहाँ की जो मसल्स है वो स्टीप है बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो ये मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाती है और हमें बहुत फायदा मिलता है इस क्रिया का, कपालभाती क्रिया। पूरी श्वास झटके से बाहर फेंकना है, जैसे ही श्वास बाहर फेंकेंगे पेट अंदर जाएगा। वापस वापस आ जाइए, फिर लंबा गहरा श्वसन, 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए, बढ़ी हुई हार्ट बीट को नॉर्मल करिए। और अब अगला प्राणायाम है, इस प्राणायाम के करने से, इस क्रिया के करने से हमारे शरीर में थोड़ी सी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि हम बार बार श्वास बाहर फेंकते हैं, तब उस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। जैसे राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे, राइट थंब को राइट नोस्ट्रेल पर लगाएंगे और लेफ्ट साइड से श्वास लेना है, लेफ्ट साइड से श्वास लीजिए, फिर लेफ्ट को बंद कर लीजिए और राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट से लेना है, जिस तरफ से छोड़ रहे हैं उसी तरफ से वापस लेना है। पहली सावधानी, दूसरी सावधानी, जो आवाज आ रहा है ये आवाज नहीं आना चाहिए, कोशिश करिए आवाज ना आए, आवाज ना आना, बिल्कुल आवाज नहीं आएगी इसमें, बिल्कुल आराम आराम से स्मूथली श्वास लेना है और स्मूथली छोड़िए, श्वास लेने और छोड़ने में आवाज ना हो ऐसा प्रयास करिए, बिल्कुल आराम आराम से। आंखें बंद रहेगी, पूरा ध्यान आपका श्वास और प्रश्वास पर, जैसे हम श्वास ले रहे हैं तो हमारे शरीर की स्थिति को देखिए, फिर छोड़ते समय की स्थिति को देखिए, जिस हाथ से हमने मुद्रा बनाई उस हाथ को ज्यादा ऊपर मत ले जाइए, नहीं तो कंधे से दर्द करने लगेगा, नीचे ढीला छोड़ के रखिए। आराम आराम से श्वास लीजिए, आराम आराम से छोड़ दीजिए, जिस तरफ से छोड़ रहे हैं उसी तरफ से वापस लेना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। श्वास भरते समय देखिए हमारा चेस्ट और लंग्स दोनों फैल रहे हैं, डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ जा रहा है जिससे पेट थोड़ा सा बाहर आएगा, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए, एब्डोमिनल ब्रीथ करना है, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ,
जैसे ही हम श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। मन को पूरा केंद्रित करके रखिए श्वास पर, श्वास पर। और जैसे ही हम इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, कम से कम 21 राउंड होना चाहिए। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, ऐसा एक राउंड। ऐसे 21 राउंड करने हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के। अभी तो हम 4-5 अभ्यास करेंगे, बस 4-5 बार अभ्यास करने के बाद चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव ना हो, ऐसा विशेष ध्यान रखना है। और श्वास लेने से छोड़ने में ज्यादा समय लगाना है, लेने से छोड़ने में ज्यादा समय, पूरक से रेचक ज्यादा करना है। धीरे से राउंड कंप्लीट करने के बाद आ जाएंगे वापस, पूरा राउंड कंप्लीट करिए, वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद फिर लंबा गहरा श्वसन, 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए। लास्ट अभ्यास है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों अंगूठे से कान अच्छे से बंद करना है, दोनों अंगूठे से। पहले देख लीजिए ऐसी मुद्रा बनानी, कैसी मुद्रा बनानी मैं बता रहा हूँ। अंगूठे से कान अच्छे से बंद करना है, पहली उंगली हमारी फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर, सेकंड वाली आंखों के ऊपर, थर्ड और फोर्थ नासिका की सीध में। और बाहर की आवाज सुनाई ना दे, ओमकार करना है, मुंह बंद रहेगा, होंठ बंद करके ओमकार करना है। लीजिए लंबी गहरी श्वास, ओम। पूरा ध्यान उस वाइब्रेशन पर लगाकर रखिए, उस वाइब्रेशन को फील करना है, पूरा ध्यान वाइब्रेशन पर। एक बार फिर लीजिए लंबा गहरा श्वसन, ओम। लास्ट बार एक बार फिर, ओम। धीरे से राउंड कंप्लीट करने के बाद आ जाएंगे वापस, वापस आ जाइए। दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए और अगला अभ्यास हमारा, एक बार हम करेंगे ओमकार का उच्चारण, फिर सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना करेंगे और शांति पाठ। ओमकार का उच्चारण के लिए फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए, ओमकार का उच्चारण करना है, ओ। अब सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना एक साथ करेंगे सभी लोग, ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को रगड़िए आपस में, दोनों हाथों पर जोर देते हुए रगड़िए, और स्पीड से रगड़िए, और स्पीड बढ़ाइए, और स्पीड बढ़ाइए, और धीरे से लगाइए दोनों आंखों से, चेहरे से लगाइए, एनर्जेटिक फील करिए, गर्दन से लगाइए, कंधों से, पूरे शरीर से लगाते हुए हाथों के दर्शन वापस। किसी को कुछ पूछना हो योग से संबंधित, किसी आसन से संबंधित तो पूछ सकते हैं। त्रिकोण आसन, हाँ हेलो, आज का योगाभ्यास पूर्ण हुआ और आज सभी विभाग के प्रिंसिपल और विभागाध्यक्ष यहाँ उपस्थित रहे। मैं तीनों प्रिंसिपल की ओर से डॉक्टर केशव सर से निवेदन करूँगा कि वह सभी विभाग को और जितने भी लोगों ने हमारा सहयोग किया, चाहे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनका धन्यवाद प्रेषित करें। प्रिंसिपल महोदय श्री केशव पाटीदार सर। मैं तीनों इंस्टीट्यूट की तरफ से सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट आज आए हैं योगा की ट्रेनिंग देने के लिए, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ उपस्थित
और जो ऑनलाइन हमारे साथ में योगा कर रहे हैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग इसको अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाएं और इसको रेगुलर करें। और एट द लास्ट आई वांट टू थैंक ऑल द टीम मेंबर्स जिन्हें ये कोऑर्डिनेट किया है, ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू ऑल, थैंक यू। धन्यवाद सर।